नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका navbharattimes.com में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य को करने के लिए अच्छा मुहूर्त देखने का चलन सदियों से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त पर कार्य करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार को करने से पूर्व मुहूर्त देखा जाता है। वहीं कुछ मुहूर्त ऐसे भी होते हैं जिनमें शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इन्हीं मुहूर्तों में से एक है पंचक। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको पंचक के बारे में ही जानकारी देंगे। पंचक क्या है और क्यों पंचक में शुभ कार्य करना शुभ नहीं होता, ये जानते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचरी अवस्था में होते हैं तब इसे प्रतिकूल माना जाता है। चंद्रमा के इन दोनों राशियों में गोचर के दौरान चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती इन 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है और इसी से पंचक नाम का उदय हुआ है। यानी जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के साथ इन 5 नक्षत्रों में गोचर करता है तो इसे पंचक कहा जाता है। दोस्तों, पंचक क्या है यह तो अब आप जान चुके होंगे। पंचक 5 प्रकार के माने जाते हैं, आइए अब उनके बारे में जानते हैं। रोग पंचक। दोस्तों, जो पंचक रविवार के दिन से शुरू होते हैं उन्हें रोग पंचक कहा जाता है। इन पंचकों में व्यक्ति को शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सेहत के प्रति इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नृप पंचक। यह पंचक सोमवार से शुरू होते हैं, यह करियर के लिए शुभ नहीं माने जाते। इस दौरान करियर में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, साथ ही कार्यालय में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान कार्य के प्रति अधिक सजग रहना चाहिए, खासकर कार्य क्षेत्र से जुड़े कार्य। चोर पंचक। इन पंचकों में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। कारोबारियों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आर्थिक पक्ष के डगमगाने की संभावना अधिक रहती है, नया काम करना नुकसानदायक हो सकता है। मृत्यु पंचक। इस पंचक को सभी पंचकों में सबसे घातक माना जाता है। इस पंचक में शादी विवाह जैसे शुभ मांगलिक कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है। इस पंचक में रोग और कष्ट की आशंका रहती है। इस पंचक की शुरुआत शनिवार से होती है। पंचक में अंतिम संस्कार भी विशेष विधि से करने की बात शास्त्रों में बताई गई है। अग्नि पंचक। इस पंचक में ग्रह प्रवेश को सबसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान आपको घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए। इन पंचकों की शुरुआत मंगलवार के दिन से शुरू मानी जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कौन सा पंचक किस कार्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए धर्म के जानकारों का कहना है कि पंचकों के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचा जाए तो अच्छा होता है। पंचकों के दौरान मृत्यु होना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि पंचकों के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 पुतले कुश के बनाकर उन्हें भी शव के साथ विधि विधान से जला देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे पंचक दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।